असल स्टूडेंट्स टूडे टॉपिक इज यूजेस ऑफ रेशो यूजेस ऑफ रेशो में अब हम जो फर्दर पढ़ेंगे वो आएगा इंट्रोडक्शन टू रेशो, देर टाइप्स एंड देर सोलूशन इंट्रोडक्शन टू रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द रेशो रेशो को हम इन आर इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉजिटिव क्वांटिटी विद द सेमिट सेम यूनिट होते दो हैं दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के दरम्यान का रिलेशनशिप रेशो शो करता है अब दो सेम यूनिट्स कौन कौन से होंगे हम एज्यूम करते हैं कि हमें सेम यूनिट्स मिले हैं अगर वन वैल्यू हमारी किलोग्राम में है तो सेकेंड वैल्यू भी हमें किलोग्राम में ही दी जाएगी अगर वन वैल्यू हमारी ग्राम्स में है तो सेकेंड भी हमें ग्राम्स में ही दी जाएगी नहीं दी जाएगी अगर एक किलोग्राम में है उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ये मैं फर्दर आपको एक्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी और एक और इसकी डेफिनेशन ये इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू

या ज्वाइंट स्ट्रोक में होगा रिलेटेड टू अगर हम देखें हमारे जो मेजर कंसर्न है बिजनेस उसके अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट है तो पर प्रोडक्ट हमें क्या कॉस्ट आ रही है प्रॉपर्टी है तो अगर आप सोल्ड आउट करते हो अपनी कंपनी की एसेट्स तो उसमें आपको प्रॉपर्टी में कितना शेयर मिलेगा या नॉर्मली अगर प्रॉपर्टी देखी जाए डेली लाइफ में तो विरासत में आपको आपके अबाऊ इजदाद से या फादर की तरफ से या मदर की, की तरफ से जो प्रॉपर्टी दी जाती है अकॉर्डिंग टू शरा तो वो हम अकॉर् रेशो के अकॉर्डिंग ही उसको मैयर करते हैं अब इसके भी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं अब आगे टाइप्स इसके मेजरली टू टाइप्स हैं जिनमें इनवर्स इंट्रैक्ट एंड इनक्वालिटी ये तीनों एक ही रेशो एक ही टाइप का नाम है वैन वन रेशो इज इंक्रीज एंड अदर रेशो इज डिक्रीज जब एक रेशो इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है ये ऑपोजिट है इनवर्स है सेकेंडली हम देखते हैं कॉन्टीन्यूस रेशो वैन मोर देन टू क्वान्टिटी आर टू बी कम्पेयर देन वी यूज़ कॉन्टीन्यूस रेशो जब हम कॉन्टीस रेशो को यूज़ करते हैं तो दो या दो से ज्यादा क्वान्टिटीज़ को हम आपस में कंपेयर करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें फोर क्वान्टिटीज़ दी गई हैं ए बी सी डी अब हमने इसको इस हेड के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है यानी कि ए रेशो बी रेशो सी ओके ए रेशो बी ये फर्स्ट है एंड देन सी रेशो डी ये सेकेंड है और इसके बाद हम देखते हैं आगे कंपाउंड एंड ट्रिपल रेशो भी आती है कंपाउंड रेशो को एक स्केयर से डिनोट करते हैं ट्रिपल रेशो को एक क्यूब के साथ अब हम इसके बारे में थोड़ी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं राइट रेशियो थर्टी टू आउंस टू तो थ्री पाउंड अब एक हमारे पास आउंस में है एक पाउंड में है तो हम पाउंड वाले को चेंज कर सकते हैं कैसे एक पाउंड में सिक्सटीन आउंस होते हैं ठीक है तो अगर हम सिक्सटीन मल्टीप्लाई वाई थ्री करते हैं तो फोर्टी एट हमारे पास आ जाता है यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ गई है फोर्टी एट जो कि थ्री पाउंड से आई है और एक आ गई है थर्टी टू माउंड अगर हम इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड बाय टू करते हैं तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे जैसे टू के टेबल पर करें तो फोर्टी एट ट्वेंटी फोर एंड थर्टी टू ऑन सिक्सटीन फिर ट्वेंटी फोर ऑन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन ऑन एट दैन ट्वेल्व ऑन सिक्स एंड एट ऑन फोर एंड देन लास्टली थ्री सिक्स ऑन थ्री एंड टू ऑन टू फोर ऑन टू तो इसके बाद हमारी जो एक आप जो थ्री रेशो टू है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी सेम टेबल पे. आपने ये जरूर देखना है कि आप बहुत क्वांटिटीज को सेम टेबल पे मल्टीप्लाई करें और जितने छोटे से छोटा आप आंसर कंसीडर कर सकते हैं उतना करें नेक्स्ट में हम सपोज करें सेवेंटी टू सेवेंटी फोर आर टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री फ्रेंड्स तीन दोस्तों में आपने सेवेंटी फोर को डिवाइड करना है अब आपको जो रेशो दी गई है ये आपको क्वेश्चन में पता भी होती पता होती है आपको दी हुई होती है और कुछ ऐसे लिखी होती है फोर रेशो फाइव डबल रेशो थ्री रेशो टू कुछ ऐसे क्वेश्चन में हमें इक्वेशन लिख के दी होती है यानी कि फोर डेसो फाइव एंड थ्री डेषो टू अब हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं ए ए सी बी सी एम सी डी ए बी सी डी ये इतनी वैल्यूज होती है तो ए और पहले सी की वैल्यू निकालें फिर बी और सी की वैल्यू निकालें देन बी और टी की वैल्यू निकालें। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं फोर थ्रीज आर ट्वेल्व फाइव थ्रीज आर फिफ्टीन एंड फाइव टूज आर टेन अगर हम इसको सम ऑफ रेशोज़ करते हैं तो टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थर्टी सेवन अब ए इज़ इक्वल टू अब हमने ए को जो परसेंटेज देनी है वो ट्वेल्व परसेंट उसका है जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो थर्टी सेवन है थर्टी सेवन में से ट्वेल्व परसेंट उसका होना चाहिए और ट्वेल्व डिवाइड बाय थर्टी सेवन मल्टीप्लाई सेवेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड आएगा इसी तरह हम का और सी का भी शेर निकाल लेंगे